वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, सूचक क्या होता है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और दोस्तों, इस वीडियो में हम हमारे आसपास जो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सूचक के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सूचक क्या होता है। ये कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है, इसको पता करने के लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है। तो सूचक का प्रयोग ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि हमारे जो आसपास पदार्थ पाए जाते हैं वो अम्ल है या क्षार है। तो हम कुछ प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ेंगे जो प्रकृति में हमें उपलब्ध होते हैं। उनमें से जो पहला सूचक है वो लिटमस है। दोस्तों, लिटमस क्या होता है? एक प्राकृतिक रंजक होता है। तो जो प्राकृतिक सूचक हमें प्रकृति में मिलता है उसको हम लिटमस बोलते हैं। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन के पौधे से। तो लाइकेन का एक पौधा होता है जिसको शेक भी बोलते हैं, उससे हम लिटमस प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अशुद्ध जल मतलब डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें इसका रंग क्या होता है? मोव होता है, मतलब पर्पल कलर का होता है, हल्का बैंगनी कलर का होता है। जब इसमें अम्लीय विलयन मिलाया जाता है तो ये क्या होता है? लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। तो ये विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में पाया जाता है, इसे लिटमस पत्र बोलते हैं। अगर कागज़ की पट्टियों के रूप में ये है तो इसको हम लिटमस पत्र बोलते हैं। ये कौन से दो कलर में उपलब्ध होता है? एक तो नीला लिटमस पत्र और एक होता है लाल लिटमस पत्र। अब ये देखिए, ये एक लाल लिटमस पत्र है और एक नीला लिटमस पत्र है। अब हम एक क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। तो एक कटोरी में हम नींबू का रस लेंगे, उसमें क्या करेंगे, एक बूंद हम लाल लिटमस पत्र डालेंगे, तो देखेंगे कि फ़र्क पड़ा है क्या। लाल लिटमस पत्र पे बूंद डालने से कोई फ़र्क पड़ा क्या? फिर हम नीले लिटमस पत्र पे नींबू की एक बूंद डालेंगे, फिर हम प्रेक्षण देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जब हम नीले लिटमस पत्र पे नींबू की बूंद डालते हैं तो वो नीला लिटमस पत्र लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब नींबू जो है वो एक अम्ल है। जबकि अगर हम अपमार्जक डिटर्जेंट का घोल अगर हम लेवें और उसमें हम अगर उसकी एक बूंद हम लाल लिटमस पत्र में डालें तो वो नीला कलर में परिवर्तित हो जाता है। तो हम ये इससे ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि अम्ल तो होता है नीले लिटमस को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। अब ऐसे भी विलयन होते हैं जिन जिन पे जिनका लाल लिटमस पत्र और नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं। ऐसे विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं। इनकी प्रकृति ना तो अम्लीय होती है ना ही क्षारीय होती है। तो ऐसे विलयन जिन जिनका लाल लिटमस पत्र और नीले लिटमस पत्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको हम उदासीन विलयन कहते हैं। इसी प्रकार हल्दी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं प्राकृतिक सूचक के रूप में। आपको क्या करना है, आपको हल्दी पाउडर लेना है और उसमें से थोड़ा सा जल मिला के इसका पेस्ट बनाना है, मतलब विलयन तैयार करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि आपको एक पेपर पे हल्दी का पेस्ट बना के उस पर हल्दी का पेंट करना है और छोटी छोटी पत्तियाँ काट लेनी है। अब आप एक साबुन के विलयन पे डालते हैं, तो साबुन के विलयन पर डालने से क्या प्रेक्षण आप देखते हैं कि आप साबुन के विलयन पे आप जब डालेंगे तो साबुन का रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो साबुन है वो क्षारकीय प्रकृति की होती है। इसी प्रकार से हम कुछ और प्राकृतिक विलयनों जो सूचक होते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि गुड़हल का पुष्प, गुड़हल के पुष्प की आपको पंखुड़ियाँ इकट्ठा करनी है और उनको बिकर में रख देना है। फिर उसमें थोड़ा सा गर्म जल मिलाइए और तब तक इस मिश्रण को रखना है जब तक कि जल रंगीन नहीं हो जाए। तो जब तक जल रंगीन नहीं हो जाए तब तक इसको रखना है। विभिन्न विलयनों पे आप इसको उपयोग कर सकते हैं।
और गुड़हल के पुष्प अम्लीय विलयनों को तो गुलाबी कलर में बदल देते हैं और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देते हैं। तो गुड़हल के पुष्प अम्लीय विलयनों को तो गहरा गुलाबी कर देते हैं और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देते हैं। तो आपको हमेशा सूचक का विलयन बनाना बनाना होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो अम्ल और क्षारक है, इनका रख रखाव बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इनका संक्षारण की प्रकृति होती है। ये किसी भी चीज़ को संक्षारित कर देते हैं, मतलब ख़राब कर देते हैं। तो इनका रख रखाव सावधानी से करना चाहिए। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम उदासीनीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि तीन तरह के प्राकृतिक सूचक हमने देखे, एक तो लिटमस पत्र, दूसरा हल्दी पाउडर और तीसरा गुड़हल के पुष्प। तीन तरह के सूचक देखे और उनका अम्ल और क्षारक के पदार्थों पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने देखा कि लिटमस पत्र जो होता है, नीला लिट जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देता है। फिर हमने देखा कि हल्दी पाउडर जो होता है वो साबुन पे, जब साबुन के विलयन में डाला जाता है तो साबुन के रंग को लाल कर देता है। और इसी तरीके से गुड़हल का पुष्प जो होता है वो अम्ल को तो गुलाबी कर देता है और क्षार को हरा कर देता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट ज़रूर करें।